जौनपुर ढीया ग्राम सभा ग्राम प्राथमिक विद्यालय प्रथम 11:30 बजे बदमाशों ने लूट और मार के इरादे से विद्यालय में प्रवेश किया और पिस्टल निकालकर शिखा सिंह को डराया। शिखा सिंह के चिल्लाने पर यहां के हेडमास्टर देवेंद्र बहादुर सिंह और सहायक अध्यापक आकाश कुमार शशि सिंह नंदिनी सिंह मौके पर पहुंचे और इन लोगों ने ईंट और पत्थर से वार किया। इतने पर बदमाश वहां से भाग निकले। वहीं गांव वालों का कहना है कि अगर प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिली तो वह विद्यालय बंद कर देंगे। अभी क्या हुआ, कैसे, कितना टाइम पहले की बात है? यहाँ पे लगभग 11:30 बजे की बात है। क्या वारदात हुई? पहले दो लोग आए बाइक से जी। वो आके यहाँ पे पूछे कि हमको एडमिशन कराना है। हमने पूछा किस क्लास में, बोले 6th क्लास में। हमने कहा कि 6th क्लास में एडमिशन नहीं होता है यहाँ पे, ये प्राइमरी स्कूल है, आगे चले जाइए। तो वो लोग फिर यहाँ से निकल गए। फिर 10 मिनट बाद फिर लौट के आए हैं जी। फिर पूछे, फिर आके यहाँ पे रुके, मैं अकेले यहाँ पे बैठी थी। पूछे हेडमास्टर का, हमने कहा हेडमास्टर उस रूम में है। फिर उनमें से पीछे वाला जो था वो गन निकाल के मेरे ऊपर टान दिया। गन भी निकाले आपके ऊपर? जी जी। आपका नाम? शिखा सिंह। आपके साथ कोई मौजूद था यहाँ पे? सर उस समय मौका वारदात पे तो कोई नहीं था। आप अकेली थी? जी नहीं, यहाँ शशि, यहाँ पे शशि मैडम जी, जी थोड़ी दूर। और शशि मैडम कहाँ पे हैं? जी आपका नाम? खड़ी जी। जी आप भी यहाँ पे थी पहली बार? आप लोग पहचाने उसे? हाँ, देख और गाड़ी नंबर वगैरह आप लोग कुछ नहीं देखे थे? यही गलती हो गई। अच्छा, आप लोग गाड़ी नंबर भी नहीं देखे थे। और ये कहाँ पे विद्यालय इस टाइम? डिहिया प्रथम ग्राम सभा डिहिया है, गायत्री विजय मंदिर के पीछे जी, डिहिया प्रथम ये विद्यालय है जी। यहाँ पे ऐसी घटना हुई, अगर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग विद्यालय नहीं खोलेंगे। ये इन लोगों का कहना है, अगर यहाँ पे उचित कार्रवाई नहीं हुई तो विद्यालय बंद कर देंगे। TV1 इंडिया न्यूज की तरफ से शिवशंकर सिंह की रिपोर्ट। ग्राम सभा के हेडमास्टर हैं और ये भी मौके वारदात पे मौजूद थे, हम इनसे बात करेंगे। कैसे, क्या मैटर हुआ यहाँ पे? ये हम जो है, हमारे हम जो है शिखा सिंह जो है जी, विद्यालय में बैठी थी जी, और हम लोग जो है कुछ लोहार बुलवाए थे, मकान विद्यालय काम करवा रहे थे जी। और इसके बाद जो है ये जी, वहाँ जो है ये आए, दो लोग बाइक से आए हैं जी, और पिस्टन निकाल करके जो है जी, पिस्टन निकाल करके इनको जो है सटाने का प्रयास किया और ये जो है भाग गए शिखा सिंह जी। जी जी। और जब शिखा सिंह हमारी तरफ भागे तो हम जो है उनको जो खेदे अधे लेकर के रिवाल्वर लहराते हुए दोनों आदमी बाहर निकल गए। तो गाड़ी नंबर आप नहीं देखे? गाड़ी नंबर हम लोग, उनका चेहरा पहचानते हैं? काला काला जो है कपड़े पहने, पतले पतले, 18 साल से और 20 साल के उम्र दोनों लड़के। कितना टाइम हुआ ये? 12:05 अभी कितना टाइम बीता है? इस समय जो है टाइम 1:40 अच्छा ये बताइए, पुलिस प्रशासन यहाँ पे कुछ पहुँचा अभी तक? पुलिस जो है, दो बैंक वाले पुलिस दोनों आए थे और बाकी कोई नहीं आया। आप फोन किए थे पुलिस को? प्रशासन से, प्रशासन से आप क्या सोच रहे हैं क्या करने के लिए? अभी हमको कोई नहीं मिला जो है, हमको मिला कोई सुविधा नहीं मिली है ना? नहीं मिली है। चलिए, देवेंद्र हैं यहाँ के हेडमास्टर हैं। TV1 इंडिया न्यूज़ के लिए शिवशंकर सिंह की रिपोर्ट। अभी तक पुलिस प्रशासन से कोई भी सुविधा लोगों को नहीं मिली है। कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। ये बताइए भैया, आपका नाम? अभिनव। ये बताइए यहाँ पे क्या वारदात हुई अभी? यहाँ पे अभी तो दो आए थे, दो लंडे जी जी, वो छिनैती करने के लिए बेसिकली आए थे जी, लेकिन उनको सफलता मिली नहीं, निकल गए। निकल गए। जौनपुर से शिव कुमार सिंह की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।